नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नए सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने फहराया तिरंगा। राज्यपाल सहित मुख्यमंत्री ने बिहार वासियों को दी शुभकामनाएं। नीतीश कुमार ने 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रोजगार देने का किया ऐलान। कांग्रेस नेता ने कहा, नीतीश कुमार में पीएम बनने के लिए क्या कमी है। जब आज ही के दिन इंटरनेशनल क्रिकेट से आजाद हुए भारत के दो सितारे। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नए सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने फहराया तिरंगा। बिहार में आज पूरे दिन स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में हुआ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराया। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के बाद 9 विभागों की झांकियां निकाली गई। सीएम नीतीश ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहारवासियों को संबोधित किया। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने आवास पोलो रोड में झंडोत्तोलन किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी अपने आवास पर तिरंगे का ध्वजारोहण किया। राज्यपाल सहित मुख्यमंत्री ने दी बिहारवासियों को शुभकामनाएं। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहारवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले तमाम वीर सपूतों एवं स्वतंत्रता संग्राम के तमाम सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि उनकी शहादत और कुर्बानियां अमर हैं। उनके संघर्ष और के कारण ही हम सबों को आजादी का यह महान तोहफा मिल पाया है। बिहार का एक ऐसा शहर जहां हर साल रात में फहराया जाता है तिरंगा, एक और जहां पूरा देश स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 15 अगस्त की सुबह का इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं बिहार के पूर्णिया में 14 अगस्त 1947 से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए रात में ही तिरंगा फहराया जाता है। इसी दिन के बाद से आज तक लोग यहां ऐतिहासिक स्थल झंडा चौक पर मध्य रात्रि को ठीक 12:01 में झंडोत्तोलन कर आज़ादी का वर्षगांठ मनाते हैं। देश के बाघा बॉर्डर और पूर्णिया के झंडा चौक ऐसी जगह है जहां प्रत्येक साल 14 अगस्त की अंधेरी रात में ही झंडोत्तोलन कर दिया जाता है, और इस साल भी इस परंपरा को बरकरार रखते हुए 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि में दूधिया रोशनी में लोगों ने झंडोत्तोलन किया। नीतीश कुमार ने 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रोजगार देने का किया ऐलान। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख नौकरी देने की बात कही है, जिसका स्वागत उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी हंसते हुए किया है। स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने बिहारवासियों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चुनावी वादे को पूरा करने का भरोसा दिया। उन्होंने 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात कही। नौकरियों और रोजगार के बारे में सीएम ने कहा कि 10 लाख नौकरियां सरकार होंगी तथा शेष 10 लाख नौकरियां अन्य व्यवस्थाओं में से दी जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। गांधी मैदान से सीएम ने नौकरी और रोजगार की घोषणा की है। बारिश को लेकर मौसम विभाग का सुखद पूर्वानुमान। बिहार में मानसून ने इस साल किसानों को धोखा दिया। राज्य में मानसून काफी कमजोर पड़ गया है, जिससे बीते 21 दिनों में कहीं भी मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने एक सुखद पूर्वानुमान किया है। राज्य के 13 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। 18 अगस्त तक इन जिलों में बारिश होगी। हालांकि इन जिलों में अभी मूसलाधार वर्षा नहीं होगी, यहां मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जिससे खरीफ की फसल को थोड़ा सा ज़्यादा फायदा मिलेगा। इन इलाकों में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं, इससे गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। मगध विश्वविद्यालय के छात्रों ने खत्म किया हड़ताल। मगध यूनिवर्सिटी के लेट लतीफे से परेशान छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। मगध विश्वविद्यालय में 48 दिनों से चल रहा इनकलाबी छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना रविवार यानी बीते दिन खत्म हो गया। एमयू प्रोवीसी डॉक्टर जवाहरलाल और रवि प्रकाश बबलू के साथ वार्ता होने के बाद छात्रों ने धरना समाप्त करने की विधिवत घोषणा किया। इनकलाबी छात्र और मगध विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति और कुलसचिव की उपस्थिति में छात्रों के मांगों को लेकर बिंदुवार चर्चा हुई। छात्रों के सभी मांगों पर विचार करते हुए उनका मांग पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया गया। इसके बाद आंदोलनकारी छात्र संतुष्ट हुए। सूखे को लेकर मुख्यमंत्री ने जाहिर की चिंता। बिहार के मुख्यमंत्री ने सूखे को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में बिहार के सीएम ने सबसे पहले इस साल सूखे को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस साल औसत से 39% कम बारिश हुई है, जिसके कारण खेतों में 80% की धान की रोपनी का काम किया जा सका। हमारी सरकार की कोशिश है कि सभी किसानों को सिंचाई के लिए किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके लिए हर एक किसान को डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अब तक अनुदान को लेकर 1 लाख से अधिक किसानों के आवेदन मिल चुके हैं, जिसमें अब 11,243 किसानों को लाभ दिया जा चुका है।
नए महाधिवक्ता बन सकते हैं श्री अनुग्रह नारायण। बिहार में महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ महाधिवक्ता बदलने की भी चर्चा चल रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार श्री अनुग्रह नारायण बिहार के नए महाधिवक्ता बनाए जा सकते हैं। श्री अनुग्रह नारायण पहले भी राज्य के महाधिवक्ता रह चुके हैं। वर्तमान में ललित किशोर महाधिवक्ता हैं। इनकी नियुक्ति जुलाई 2017 में हुई थी। श्री अनुग्रह नारायण जनवरी 1998 से 2005 तक महाधिवक्ता रह चुके हैं। वे सबसे कम उम्र में इस पद पर नियुक्त होने वाले महाधिवक्ता रह चुके हैं। 1998 में जब उन्होंने इस पद को संभाला था तब उनकी उम्र 48 साल की थी। विभाजन विभीषिका दिवस के आयोजन पर भड़के शिवानंद तिवारी। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि देश विभाजन की विभीषिका को स्मरण कराना भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडा का हिस्सा है। यह पहला अवसर है जब मोदी सरकार देश विभाजन को दिवस विशेष के रूप में याद करा रही है। हमारी परंपरा में कड़वी यादों का दिवस नहीं मनाया जाता है। 30 जनवरी गांधी की हत्या का दिन है, लेकिन हम उसे गांधी हत्या दिवस के रूप में नहीं मनाते, शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने बलिदान दिया उन्हें हम 30 जनवरी को एक साथ श्रद्धांजलि देते हैं। विजय कुमार सिन्हा ने फहराया तिरंगा और कही ये बात। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी आज स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 20 महीने के कार्यकाल में हमने विधायकों के सम्मान और उनके हक के लिए काम किया है। इसके बावजूद मुझ पर विरोधी को सहयोग करने का आरोप लगा दिया गया। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी हम बिना डरे काम करते रहे हैं। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कोटे से आते हैं और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पूरी निष्ठा के साथ अपना काम किया है, लेकिन आरोप लगाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस नेता ने कहा नीतीश कुमार में पीएम बनने के लिए क्या कमी है। आज नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के कद्दावर नेता निखिल कुमार औरंगाबाद पहुंचे। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर उन्होंने बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और तिरंगा भी लहराया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में यह पूछा गया कि महागठबंधन के घटक दलों के द्वारा नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। इस पर उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो नीतीश कुमार में क्या कमी है। चिराग पासवान ने कहा मुख्यमंत्री के मन में चोर है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बीते दिन शाम दरभंगा पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि सृजन घोटाला तथा मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड उनको पाला बदलने को मजबूर किया है। में चोर उसी को होता है जिसने अपराध किया हो, जिसको पता हो कि कल के जांच में पोल खुलेगी। यह तमाम बातें जांच का विषय है और इन सभी बातों का जांच होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई सभी के सामने आने चाहिए। सुशील मोदी से भिड़े ललन सिंह। महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद से सत्ता से विपक्ष में आई भाजपा और सत्ताधारी जदयू और राजद के नेता लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। कभी मीडिया के सामने तो कभी सोशल मीडिया पर इनके बयानों की बान हर हमेशा चल रही है। इस बीच भाजपा नेता सुशील मोदी और जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह में ट्विटर वॉर शुरू है। ललन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुशील जी, आपके वक्तव्यों का स्तर उच्चतम है। सच्चाई है कि न तो नीतीश जी की कभी पीएम बनने की चाह, न किसी से मेरी डाह। आपका स्तर आपके ग्रह नक्षत्र को ठीक कर पुनर्स्थापित करा देगा। मेरी शुभकामना आपके साथ है। जब आज ही के दिन इंटरनेशनल क्रिकेट से आज़ाद हुए भारत के दो सितारे। भारत में 15 अगस्त को आज़ाद दिवस कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत को आज़ादी मिली थी। वहीं 2020 में 15 अगस्त के दिन इंटरनेशनल क्रिकेट से भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना आज़ाद हुए थे। करीब एक दशक तक एक साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले इन दोनों दिग्गजों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई ली थी। धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को करीब 15 साल दिए थे और रैना ने करीब 13 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले। मालूम हो कि एमएस धोनी ने 15 अगस्त 2020 की शाम को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है भूमित कुमार, उमेश ऋषिदेव, रंजित मिश्रा, सिकंदर पासवान, शंकर मुखिया, अखिलेश यादव, दिलीप राम, अमन कुमार, चंदन कुमार शाह, मुटु रंगीला, सत्येंद्र शाह, कविता कुमारी, ऋषिकेश शाह, बाबूलाल मरांडी और सिद्धार्थ कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि नीतीश कुमार द्वारा किए गए 20 लाख रोजगार देने वाले वादे से आप संतुष्ट हैं या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।